हेलो एवरीवन, मैं अरबी जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान प्रदेश में यूजी सेकंड ईयर की एग्जाम होगी या नहीं होगी, इसको लेकर आपके रेगुलर कमेंट आ रहे हैं कि सर सेकंड ईयर की एग्जाम होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर भी आपके काफी डाउट है जो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो पेशेंस बना के वीडियो एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा प्रश्न है सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का कि सर एग्जाम होगी या नहीं होगी, तो भाई एग्जाम तो निश्चित होगी, क्योंकि लास्ट सेशन में आपको प्रमोट कर दिया गया था और इस बार आपको वापस प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्नातक की जो डिग्री होती है वो 3 वर्ष की होती है और उसमें 2 वर्ष आपको एग्जाम देने ही होंगे, तभी वो डिग्री आपको मिलेगी। और साफ साफ जब ये उच्च शिक्षा विभाग का बयान सामने आया था, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का, तो उन्होंने बयान में भी बोला था और जो गाइडलाइन जारी हुई थी, जो दिशा निर्देश जारी हुए थे परीक्षाओं को लेकर, उसमें भी साफ साफ मेंशन है कि जो आपकी एग्जाम है, आपकी जो एग्जाम है वो निश्चित होगी। अभी फिलहाल के लिए आपको प्रोविजन प्रमोट कर देते हैं, लेकिन आपकी एग्जाम बाद में कंडक्ट करवाई जाएगी। अभी आपके एडमिशन चल रहे हैं, आप सभी को पता है आपके जो रीएडमिशन के फॉर्म है वो स्टार्ट हैं। जो बच्चे सेकंड ईयर से फाइनल ईयर में हो गए, 31 अगस्त तक रीएडमिशन की लास्ट डेट है। तो जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, एडमिशन नहीं लिया है, वो सभी विद्यार्थी एडमिशन लेंगे। साथ ही अब एग्जाम कब तक हो सकती है, भाई एग्जाम होगी तो एग्जाम कब होगी। अभी फिलहाल फाइनल ईयर की एग्जाम चल रही है, तो जो फाइनल ईयर की एग्जाम है वो लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक तक चलेगी। इसके अलावा आपके जो एडमिशन है वो भी अगस्त एंड तक चल रहे हैं। तो अब आपका जो एग्जाम वो कब तक हो सकता है, तो आपका जो एग्जाम है सेकंड ईयर वालों का, वो नवंबर मंथ में पूरे चांस बन रहे हैं कि आपकी जो एग्जाम है वो नवंबर मंथ में कंडक्ट करा लें। क्योंकि सितंबर की अगर हम बात करें, अक्टूबर की बात करें, तो आपका जो है टाइम टेबल भी जारी होगा, आपके एडमिट कार्ड भी जारी होंगे, उसके बाद में आपकी जो है एग्जाम कंडक्ट होगी। तो यहां पर नवंबर मंथ में आपके चांस लग रहे हैं कि आपकी एग्जाम हो सकती है। काफी बच्चे ये भी कॉमेंट करते हैं, सर हम सेकेंड ईयर का पढ़ें या फाइनल ईयर का पढ़ें, क्योंकि फिलहाल हम फाइनल ईयर में हो चुके हैं, हमारा एडमिशन हो चुका है, तो अब हम कौन सा पढ़ें, क्या पढ़ें, किसकी क्लास लें, किसकी क्लास नहीं लें। तो फिलहाल आपकी क्लास चल रही होंगी जो है ऑनलाइन, आपकी क्लास चल रही है। इसके अलावा 1 सितंबर से आपकी ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, कॉलेज ओपन हो रहे हैं राजस्थान प्रदेश में, तो आपकी ऑफलाइन पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल आप फाइनल ईयर का पढ़ें, लेकिन आपकी सेकंड ईयर की एग्जाम निश्चित ही है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। बार बार आपके कॉमेंट आ रहे हैं कि सर एग्जाम होगी या नहीं होगी, तो एग्जाम निश्चित ही होगी, क्योंकि 3 वर्ष की डिग्री में 2 वर्ष आपको एग्जाम देनी होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई सर प्रैक्टिकल एग्जाम सेकंड ईयर के होंगे या नहीं होंगे, तो भाई सेकंड ईयर के भी प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, जिस हिसाब से फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम हुए हैं। प्रैक्टिकल का मतलब ये कि आपको रिकॉर्ड जमा कराना है, और इसी के आधार पर हो सकता है सेकंड ईयर का भी ऐसा ही हो, आपको ओनली रिकॉर्ड ही जमा कराने हो, मतलब रिकॉर्ड के आधार पर ही आपको मार्क्स दिए जाए। और एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा आता है कि सर पैटर्न कैसा रहेगा, क्या जो फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ है वही पैटर्न सेकंड ईयर का होगा क्या, ये बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो यस, ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि सेकंड ईयर की जो एग्जाम है वो बिल्कुल सरलीकृत करके होगी, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट पहले ही आ चुका है, उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री थे उन्होंने साफ कह दिया था कि जो सेकंड ईयर की एग्जाम है या जो फाइनल ईयर की एग्जाम है वो बिल्कुल सरलीकरण करके होगी। तो आपका जो पैटर्न है वो यही रहने वाला है जो फाइनल ईयर का है, कि भाई 50% ही आपको अटेम्प्ट करना है और 1 दिन में आपके 2 पेपर होंगे, जिससे कि कम समय में ही आपके पेपर कंडक्ट हो जाए और आपको कोई असुविधा नहीं हो। तो ऐसा ही कुछ रहने वाला है जो फाइनल ईयर के साथ में हुआ है। तो आपकी एग्जाम निश्चित होगी, आप अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। अभी फिलहाल आप फाइनल ईयर का पढ़ें, जैसे ही एग्जाम डेट आती है, एग्जाम डेट अनाउंस होती है, नोटिस आता है, तो आप अपना सेकंड ईयर का पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। काफी बच्चे यहां पर कॉमेंट करेंगे सर टाइम टेबल कब तक जारी होगा सेकंड ईयर का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपका जो टाइम टेबल है वो आपकी एग्जाम डेट से पहले, मतलब लगभग 15 दिन पहले आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है और भी अधिक समय दिया जाए, क्योंकि आप फाइनल ईयर का पढ़ रहे होंगे तो सेकंड ईयर को वापस से पढ़ने में थोड़ा समय लगे, तो हो सकता है आपको पहले ही लगभग 20 दिन पहले या 25 दिन पहले आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाए। यहां पर सभी जो सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें। अभी फिलहाल आप फाइनल ईयर का पढ़ लें, उसके बाद जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होगी आप सेकंड ईयर का भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर का ज्यादा लोड आपके पास में होगा नहीं, क्योंकि 3 यूनिट लगभग आपको पढ़नी है, 50% ही आपको अटेम्प्ट करना है, तो ज्यादा जो है आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ आपके डाउट है जो मैंने क्लियर कर दिए हैं सेकंड ईयर एग्जाम के रिगार्डिंग, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।